है सिंगर कंपनी का एक ग्राइंडर है जिसका अंदर का आर्मेचर चेंज किया गया है और बूस्ट चेंज किया गया है और ओवरलोड चेंज किया गया है। हेलो दोस्तों, आज आप देख रहे हैं, ये आप देख सकते हैं एक सिंगर कंपनी का ग्राइंडर मशीन है। तो ये मशीन लगभग 25 साल पुराना मशीन है, 25 से 27 साल पुराना मशीन है। तो इस मशीन को कुछ प्रॉब्लम आ गया था, तो इस मशीन को आज हम लोग ठीक कर रहे हैं। तो कुछ काम तो हम कर लिए, तो चलिए वीडियो बना लेते हैं बोल के आपको हम दिखा रहे हैं। तो इस मशीन में एक्चुअली हुआ क्या था कि इसका जो है रोटर का कुछ प्रॉब्लम आ गया था और इसका ओवरलोड स्विच में प्रॉब्लम आ गया था, तो दोनों को रिप्लेस किए हैं। तो आप देख सकते हैं ये है सिंगर कंपनी का, आप देख सकते हैं। और इसे खोल के हमने पूरा वॉश किया है तब जो है इतना अच्छा दिख रहा है, नहीं तो काफ़ी गंदा था। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, और सबसे पहले देख लेते हैं, आप देख सकते हैं ये ओवरलोड, आप देख सकते हैं ये ओवरलोड आपका है 2.7 एम्पियर का है, इसे नया हमने लगाया इसमें। और चलिए उसके बाद हमने क्या क्या इसमें चेंज किया है, तो आप देख सकते हैं ये इसका ओरिजिनल आर्मेचर है। तो ये आर्मेचर में कुछ नहीं हुआ था, सिर्फ आर्मेचर का कम्यूटेटर देख रहे हैं, कम्यूटेटर जो है ये आर्मेचर का खा गया था। इस आर्मेचर का कम्यूटेटर में प्रॉब्लम आ गया था, ये काफ़ी घिस चुका था, लेकिन चलने का चल रहा था, लेकिन हम सोचे इसे चेंज कर देते, काफ़ी पुराना हो गया। तो हमने देख सकते हैं ये कंपनी का जो है आर्मेचर मंगाया है, और ये आपका कंपनी का आर्मेचर हम डाल के इसमें इसमें चालू करेंगे। और साथ में आर्मेचर के साथ हम ले लिए थे, आप देख सकते हैं ये कुछ कार्बन ब्रश हमने ले लिया है। तो आप देख सकते हैं कार्बन ब्रश किस प्रकार का आता है, तो आप देख सकते हैं कार्बन ब्रश इस तरह का आता है ग्राइंडर के लिए। तो ये कहीं बाजार में जैसे हमको 10 रुपये में मिला है, ये कोलकाता से हमने 10 रुपये में लिया है, हो सकता है हर जगह अलग अलग रेट होगा। तो आपका जहाँ नज़दीकी बाजार होगा आप वहाँ से ले सकते हैं। और ये जो देख सकते हैं ये आर्मेचर हमको लगभग 260-270 रुपये पड़ा है, तो हर जगह अलग अलग होगा। तो हम सबसे पहले आप देख सकते हैं हमने ये आर्मेचर को इसमें डाल दिया है। तो ये आर्मेचर डालने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं चार स्क्रू है, ये चार स्क्रू को खोलना है। स्क्रू को खोलने के लिए ये 8 नो का एक रिंग आपको चाहिए, इसे आप अपने घर में रख लीजिए और कोई मैकेनिक का जरूरत नहीं, आप अपने घर में भी कर सकते हैं। देख सकते हैं ये जो है इसमें 9 नंबर, यहाँ 9 नंबर आप देख सकते हैं ये सेट हो रहा है। तो इससे हमने इसे खोल लिया है, और इस आर्मेचर को यहाँ से ये खुल जाने के बाद जो है आर्मेचर डाल दिया, और आर्मेचर डालने के लिए यहाँ से आपको कार्बन ब्रश हटाना पड़ेगा। अगर कार्बन ब्रश रिप्लेस करना है तो कार्बन ब्रश किस प्रकार रिप्लेस किया जाता है अभी आपको हम बता देते हैं। तो इसे हल्का आप देख सकते हैं इसको बैंड कर लेना है और इस प्रकार इसे निकाल लेना है। आप देख सकते हैं कार्बन ब्रश किस प्रकार निकल गया है, और इसे अगर दोबारा डालना है तो किस प्रकार डाला जाता है दिखाते हैं आपको। तो कार्बन ब्रश आपको अगर चेंज करना है अपना घर में आप चेंज कर सकते हैं। तो कार्बन ब्रश हो सकता है सेट नहीं होगा, इसे हल्का घस लीजिएगा। इसके घसने के लिए आपको दोनों तरफ, इस तरफ भी आप घसना पड़ेगा और इस तरफ भी घसना पड़ेगा इसको जाने के लिए इसमें। तो इसको इस प्रकार डाल दीजिएगा इसमें और इसे पूरा जाने दीजिएगा। पूरा जाने के बाद इधर से आपका जो है ये घुस जाएगा और इसे आप लॉक करके हल्का बैंड कर दीजिएगा। तो कार्बन ब्रश किस प्रकार चेंज होता है आप देख सकते हैं, और इसी प्रकार ये आर्मेचर को आपको कार्बन ब्रश घसका के इसे डाल लेना है। और जब भी इसका आर्मेचर चेंज कीजिएगा, बूस्ट को जरूर चेंज कीजिएगा, हमने भी बूस्ट को चेंज किया है। तो बूस्ट को चेंज करने के लिए आपको ये 3 स्क्रू है, 3 स्क्रू अंदर से आप देख सकते हैं, नीचे नट लगा हुआ है, तो नट के खोल के आप इसे भी चेंज कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। तो चलिए सबसे बेसिक चीज़ है कि इसको कनेक्शन किस प्रकार करेंगे। तो आप देख सकते हैं कोई भी आपका ग्राइंडर का मोटर होगा उसमें किसी में 4 वायर होगा, किसी में 5 वायर होगा। तो आप मेरे से देख सकते हैं यहाँ पे 4 वायर है। तो 4 वायर किस प्रकार कनेक्शन करेगा, तो इसके लिए आपको मल्टीमीटर और या फिर सीरीज लैंप का जरूरत पड़ेगा। तो आज आपको दोनों से हम करके दिखाएंगे, मल्टीमीटर से भी करके दिखाएंगे और सीरीज लैंप से भी करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं, मान लीजिए इसमें से आपको न्यूट्रल कौन आपको पता नहीं है, फेज कौन है पता नहीं है, तब कोई भी किसी एक तार को ले लीजिएगा और सबके साथ मल्टीमीटर में चेक कीजिएगा, जिसका सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस दिखाएगा वो आपका न्यूट्रल हो जाएगा, बाकी जो कम होगा वो फेज में आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसको चेक कर लेते हैं मल्टीमीटर लेके। तो आप देख सकते हैं ये मेरे पास एक डिजिटल मल्टीमीटर है, इसे हम चेंज ले लेते हैं, 200 ओम में हमने डाल दिया है। तो देख सकते हैं 200 ओम में डाल के, और चलिए सबसे पहले
हम कोई भी वायर को ले लेते हैं, मान लीजिए इसे एक पकड़ लेते हैं, इसके साथ इसको चेक करते हैं तो 1.8 दिखाया, इसके साथ चेक कर लेते हैं वन पॉइंट फाइव दिखाया, और इसके साथ चेक कर लेते हैं, अब देख सकते हैं 36 दिखा रहा है। तो मतलब ये मेरा जो है न्यूट्रल पॉइंट होगा, ये जो आप देख सकते हैं न्यूट्रल पॉइंट होगा, इसके साथ दिखा रहा है कितना है, 37 दिखा रहा है, और इसके साथ दिखा रहा है 31, 38 दिखा रहा है। ठीक है, तो ये आपका मेन हो गया है, ये न्यूट्रल हो गया, इसके साथ सबका अलग अलग रेजिस्टेंस वैल्यू दिखा रहा है। तो चलिए अभी हम आपको टेस्ट लैंप से भी चेक करके दिखा देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये मेरे पास सीरीज लैंप है, और इसे टेस्ट करके एक बार देख लेते हैं। तो चलिए कॉइल के साथ देख लेते हैं। तो हम इससे देखे थे, इससे न्यूट्रल हम सोचे थे, तो इससे हम एक बार टेस्ट लैंप लगा लेते हैं और एक एक चेक कर लेते हैं। देखिए तो घूमना शुरू हो गया, ये आपका स्पीड पर डिपेंड करता है, कौन आपका लो स्पीड है कौन हाई स्पीड है, देख सकते हैं ये भी एक स्पीड है, तो ये सबसे स्लो स्पीड है, और ये सेकंड स्पीड हो गया, और ये थर्ड स्पीड है, इसमें देख सकते हैं फुल स्पीड में घूम रहा है। तो ये आपका एक नंबर रोटरी स्विच में आ जाएगा, ये एक नंबर रोटरी स्विच हो गया, ये दो नंबर रोटरी स्विच हो गया, ये तीन नंबर रोटरी स्विच है। चलिए इसे अब रेगुलेटर में कनेक्शन करते हैं, किस प्रकार कनेक्शन किया जाएगा। इसे फिट करने के लिए इसे ऊपर के रखना है और इसे इसमें डाल देना है, डालने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पिन दिया हुआ है, पिन जो है ये गड्ढा में जाएगा, देख सकते हैं ये फिट हो चुका है। तो चलिए इसका कवर फिट करते हैं, फिर कनेक्शन करेंगे हम लोग। ये कनेक्टर है, कनेक्टर में चार पॉइंट दिया हुआ है, और ये जो है इसमें पावर दिया गया है, और पावर आपका देख सकते हैं ये पावर आपका मेन इसमें जो है आपका पावर गया है, ये रोटरी स्विच में पावर में गया है, और इससे आउटपुट आपका तीन आया है, जो कि इसका मोटर में तीन वायर में कनेक्शन होगा। तो इससे पहला दूसरा तीसरा टेस्ट करने के लिए चलिए किस प्रकार टेस्ट किया जाता है हम लोग देखते हैं। तो इसमें हम लोग पावर देखेंगे और रोटरी स्विच को ऑपरेट करेंगे, तो इसमें किस में पावर आता है उसे हम लोग टेस्ट कर लेते हैं, उसी में हम लोग को मोटर को कनेक्शन करना है। तो सबसे पहले सीरीज लैंप को हम लोग कनेक्शन में डाल लिए हैं, और सीरीज लैंप को हम लोग टेस्ट कर लेते हैं। तो हम एक सीरीज लैंप ले लेंगे, और सीरीज लैंप का आप देख सकते हैं दो तार मेरे पास है, तो इसे चलिए टेस्ट कर लेते हैं। देख सकते हैं मेरे सीरीज लैंप जल रहा है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये अगर मान लीजिए मेरा पावर जा रहा है, तो इस सब में टेस्ट करके देख लेते हैं, किसी में जल नहीं रहा है। तो अभी हम इसको रोटरी स्विच को घुमाते हैं, तो चलिए देख लेते किस में आ रहा है। ये हो गया एक नंबर हो गया, आप देख सकते जल रहा है, और बाकी सब में नहीं जलेगा। उसके बाद दो नंबर देखते किस में आ रहा है, तो दो नंबर किस में आ रहा है, देख सकते हैं ये दो नंबर वायर है, और तीन नंबर खाली है, तो तीन नंबर का भी टेस्ट कर लेते हैं। तो ये हो गया तीन नंबर हो गया, देख सकते हैं ये तीन नंबर है। तो इसी प्रकार तार हम कनेक्शन करेंगे, चलिए तार कनेक्शन करके फिर आपको टेस्ट करके दिखाते हैं। तो न्यूट्रल के लिए देख सकते हैं इस तरफ आपका ये जो है माइनस का लग लगा हुआ है, तो ये एक जो है आपका न्यूट्रल जाएगा, ओवरलोड में जाएगा, और दूसरा ओवरलोड का लिए वायर है, और ये देख सकते हैं मोटर का मेरा न्यूट्रल का था, इसे हम इसमें अच्छी तरह मोड़ के टेप कर देंगे। तो इसे अच्छी तरह मोड़ लेते हैं हम इसे, और इसे टेप कर देते हैं। आपके पास अगर ब्लैक पीवीसी टेप है तो पीवीसी टेप लेके उसे आराम से इसे टेप कर दीजिए। ये मेरा न्यूट्रल पॉइंट हो गया, और बचा ये दो लग, बचा दो लग जो है ओवरलोड में लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग कनेक्टर में इसका मोटर का कनेक्शन कर लेते हैं सॉकेट से। आप देख सकते हैं ये है कनेक्टर, इसमें जो है ये है फेज है, जो कि टॉप के थ्रू आया है, और ये तीन जो है मोटर में गया है,
और ये आपका जो है न्यूट्रल वायर जो है देख सकते हैं न्यूट्रल, और साथ में ये दोनों है ओवरलोड में लगेगा जिससे उसका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए ओवरलोड में लगा के बस टेस्ट कर लेते हैं इसे। तो ओवरलोड में लगा के अभी इसे हम चालू करते हैं, चलिए देखते हैं। तो देख सकते हैं कि इस प्रकार ये आप अपने घर में भी बना सकते हैं। तो चलिए इस प्रकार का वीडियो इस चैनल पर आएगा दोस्तों। दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।